एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से आप सब परिचित ही हैं। अब ठीक ऐसा ही मामला हल्द्वानी में देखने को मिला है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठे एक शख्स ने खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात कही है। दरअसल इस शख्स का नाम नितिन जैन है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। क्या है पूरा मामला देखिए। एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के आपसी विवाद से हर कोई परिचित है। एक मामला हल्द्वानी से सामने आया है, जहां बुद्ध पार्क में बैठे एक शख्स ने खुद को पत्नी के द्वारा सताए जाने की बात कही है। दरअसल इस शख्स का नाम नितिन है, जो कि हरिद्वार का रहने वाला है। नितिन ने बताया कि उनकी पत्नी सुरभि गुप्ता है, जो इस वक्त हल्द्वानी के गोलापार स्थित राजकीय महाविद्यालय में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात है। उनकी पत्नी ना तो उनको तलाक दे रही है और ना उनके साथ रहने के लिए राजी है। पेशे से व्यवसायी नितिन की आंखें भर आती हैं और वह बताते हैं कि पत्नी को पढ़ाने के लिए हर संभव मदद की। करीब 6 लाख की राशि भी खर्च की और उनकी शादी भी 2014 में रजिस्टर्ड है। पति नितिन का कहना है कि जब पत्नी प्रोफेसर बन गई तो वह उनसे लड़ने झगड़ने लगी और अलग रहने के लिए दबाव डालने लगी। मेरा नाम नितिन जैन है, मैं हरिद्वार का निवासी हूँ। मेरी पत्नी का नाम सुरभि गुप्ता है, जो आजकल राजकीय महाविद्यालय हल्द्वानी गोलापार में कार्यरत है, असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश में। मैं 2011 से हरिद्वार में सुरभि के साथ रह रहा हूँ और 2014 में हमारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई है। 2011 में मैंने एक फ्लैट सुरभि के नाम कराया था और कुछ अमाउंट भी सुरभि को 6 लाख रुपये नंबर एक में और बाकी कुछ कैश में उसको दिया था। उसकी पीएचडी कराने में मेरा पूरा हो रहा है, मैंने पूरा सपोर्ट किया है और सब तरह से खर्चा वर्चा मैंने किया है और उसे एक फ्लैट और जो और घर का सारा सामान है वो सब दिलवाया। और 2014 से हम साथ रह रहे थे, मतलब जो रजिस्टर्ड मैरिज हो गई थी उसके बाद से हम साथ रह रहे थे। 2016 में हमारी एक पुत्री हुई, उसके बाद से उसका रवैया बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। रोज़ लड़ाई झगड़ा, बच्चे को मारना पीटना और उस तरह से बहुत ज़्यादा व्यवस्था ख़राब होने लगी। फिर उसने मुझे घर से ये कह के निकाल दिया कि भाई ये फ्लैट मेरे नाम है तो तुम इस घर से चले जाओ। उसने फिर मैं उस घर से चला गया। फिर उसके बाद जब उसकी नौकरी लग गई तो उसने उसका खर्चे का मुझे पे खर्चे का 125 का केस डाल दिया, जिसमें मेरे को पता नहीं लगा उसका और उसका एक्स पार्टी करा के 25,000 रुपये महीना का खर्चा बांध दिया। नितिन ने अपनी पत्नी पर तमाम आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पत्नी को एक फ्लैट भी दिलवाया जहां वह साथ रह रहे थे, लेकिन फ्लैट पत्नी के नाम से लिया था तो पत्नी ने उन्हें घर से निकाल दिया। उनका कहना है कि हम दोनों की एक पुत्री भी है। वर्ष 2018 से उनका तलाक का केस भी चल रहा है। केस दर्ज होने के बाद हर महीने वह सुरभि को कोर्ट के आदेश पर खर्चे के लिए 25,000 रुपए प्रति महीने भी देते आए हैं, लेकिन 2 साल तक खर्च देने के बाद जब पत्नी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई तो उन्होंने ये खर्च देना बंद कर दिया। अब पत्नी ने नया वाद दाखिल कर 10 लाख रिकवरी का केस डाला है। नितिन का आरोप है कि उनकी पत्नी थाने पुलिस चौकी में गलत शिकायत करती है और उन्हें उनकी बच्ची से भी मिलने से मना कर देती है। वहीं नितिन ने पत्नी की पीएचडी और नौकरी पाने के तरीके पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि अपने कागजातों में सुरभि ने मेडिकल सर्टिफिकेट सहित तमाम अन्य दस्तावेज पेश नहीं किए हैं। उनकी मूल तैनाती रुद्रप्रयाग में थी, लेकिन किसी तरह अधिकारियों से मिली भगत के चलते उसने दुर्गम से सुगम में अपनी तैनाती करवा ली। वहीं पत्नी के अन्य एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चलने की बात भी कही है। नितिन के साथ धरने पर छात्र संघ के पूर्व और नए पदाधिकारी शामिल रहे। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में बैठे शख्स नितिन जैन ने खुद को पत्नी द्वारा सताए जाने की बात तो कही है, लेकिन कहते हैं कि किसी भी मामले को पूरी तरीके से उसकी सच्चाई जानना जरूरी होती है। तो फिलहाल इस पूरे मामले में अभी हमारी सुरभि से बात नहीं हो पाई है। उनका पक्ष जैसे ही सामने आता है हम इस पूरे मामले को आपके सामने रखेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए APN न्यूज़। नमस्कार।